शार्क टैंक एक ऐसा यूएस रियलिटी टेलीविजन सीरीज है जिसमें एंटरप्रेन्योर्स खुद का बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स और शार्क के सामने प्रेजेंट करके इन्वेस्टमेंट रिसीव करते हैं। पर शार्क को बिजनेस आइडिया पसंद आना जरूरी है और इंडिया में सोनी लिव शार्क टैंक इंडिया लेके आ रहा है। उन इन्वेस्टर्स में सबसे फेमस इन्वेस्टर और शार्क है मार्क क्यूबन। मार्क क्यूबन एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और ग्रेजुएशन के बाद उसने कंप्यूटर कंसल्टिंग कंपनी माइक्रो सॉल्यूशंस बनाया था। 1990 में उसका कंपनी कंप्यूसर्व को बेचा और अच्छा प्रॉफिट बनाया। इस प्रॉफिट से मार्क ने broadcast.com कंपनी बनाया और इस कंपनी को याहू परचेज किया। 5.7 बिलियन डॉलर याहू मार्क को दिया और मार्क बिलियनर बन गया। ये सब 1990 का इंटरनेट बूम में हुआ और मार्क का एडवाइस ये है कि ऑलवेज लुक फॉर व्हाट्स न्यू इन बिजनेस एंड फाइंड वे टू बी कम फर्स्ट इन दैट बिजनेस। मतलब जब भी कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा उस टेक्नोलॉजी को स्टडी करो और फर्स्ट मूवर बनने का ट्राई करो। Nowadays, artificial intelligence and machine learning are the current trends. Second advice, business 24/7 game है। अगर आप पूरा focus business में पूरा दिन नहीं दे पाया तो दूसरा आदमी आके आपके business को हरा देगा। Outwork everyone, try to smarter than everybody, try to be a better salesperson than everybody, then you will get your best chance because if you don't do it, somebody else will do it. मेरा जॉब छीनने के लिए मेरा कोलीग्स 24 आवर्स काम कर रहा है। इस नजर से आपको कंपटीशन को देखना है। यू हैव टू बी सिनिकल। मार्क का इनकम सोर्स है मैग्नोलिया पिक्चर्स, एक्सेस टीवी, ओनर ऑफ बास्केटबॉल टीम द लास्ट मैवरिक्स। इन 2006 मार्क का बास्केटबॉल टीम एक टूर्नामेंट में फेल हो गया। उस टाइम पे मार्क बहुत अपसेट हुआ था और नेक्स्ट 3 वीक्स वो घर के बाहर नहीं गया। नेक्स्ट मैच कैसे जीतने हैं उसके लिए वो बुक्स पढ़ रहा था। इन 2011 मार्क्स टीम वन द बास्केटबॉल मैच। मार्क क्यूबन एंड बिल गेट्स। जब मार्क क्यूबन नाइट क्लब में एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ बात कर रहा था और वो 2 मिनट के लिए उस जगह से हटकर वापस आया और देखा वो लड़की दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी के साथ डांस कर रही थी। वो कोई और नहीं था, बिल गेट्स था। उस टाइम उसने रियलाइज किया कि ए रिच मैन गेट्स लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं था कि मार्क क्यूबन उस टाइम पे रिच नहीं था, बट बिल गेट्स इज मोर रिचर देन हिम इन 1990s। मार्क क्यूबन इन लीगल ट्रबल। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन मार्क क्यूबन के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। mama.com शेयर्स मार्क ने डंप कर दिया क्योंकि उसको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिला था। मार्क का खुद का ब्लॉग में उसने स्टेट किया कि दिस क्लेम्स आर फॉल्स एंड विल बी प्रूव्ड। कोर्ट में ये केस डिसमिस हुआ था एंड 2013 में ये केस क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज लुक फॉर व्हाट्स न्यू इन टेक्नोलॉजी एंड ट्राई टू बी द फर्स्ट इन दैट फील्ड। बी द फर्स्ट मूवर। थैंक यू।